अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेबल से डाटा को लूज किए बगैर टेबल को कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये मेरे पास एक डाटा है, मैं इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस किया और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ये टेबल फॉर्मेट में, आप किसी भी जगह पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने टेबल डिज़ाइन। तो टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करके आप यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा डाटा जो है ये सिंपल रेंज में क्लिक हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछ रहा है आपसे कि डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज। तो मैंने इसको कर दिया येस। तो जैसे ही येस किया तो टेबल इससे चला गया और आपका सारा डाटा यहाँ पर सेव रहा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की कोई अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।